सो गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीएस चयन के लिए कुछ ऐसे स्पेशल कैटा कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ जो गाइस आप लोग अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। अब गाइस देखो मुझे पता है आप लोगों का अलग अलग रोल रहता है, कुछ बंदे आप में से रशर हो गए, कुछ बंदे गाइस नीडर हो गए, कुछ बंदे सपोर्टर हो गए, स्नाइपर प्लेयर हो गए। तो गाइस आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड करके वो कैटा कॉम्बिनेशन ले सकते हो और ये गाइस अभी के टाइम के लिए बेस्ट कैटा कॉम्बिनेशन है। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही ज्यादा ओपी होने वाला है, तो गाइस फटाफट पहले वीडियो को लाइक कर देना, 7K लाइक गाइस फटाफट कर देना और चैनल पे अगर न्यू आ रहे हो, मेरा आवाज पहली बार सुन रहे हो तो गाइस फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी गाइस जरूर से आप लोग ऑन कर देना। और गाइस देखो और एक चीज, अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, अगर आप लोग के पास मेरा वीडियोस का नोटिफिकेशन या फिर रिकमेंडेशन नहीं आ रहा है ना, तो गाइस आप लोग प्लीज एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी गाइस जरूर से आप लोग ऑन कर देना। ये छोटा सा स्टेप गाइस अगर आप लोग करोगे ना तो मेरा हर एक वीडियोस का ही नोटिफिकेशन आप लोग के पास आएगा। तो गाइस चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस जो फर्स्ट नंबर कैटा कॉम्बिनेशन है वो गाइस मेरे रशर भाइयों के लिए है। इसमें गाइस आप लोग कैटा कॉम्बिनेशन में तासुआ लेना है, फिर गाइस आप लोगों को शानी लेना है, फिर आप लोगों को एंटोनियो लेना है, लास्ट में गाइस आप लोगों को जय कैटा लेना है। अब ये गाइस देखो सबसे ज्यादा जो बेस्ट मतलब रशिंग स्किल कॉम्बिनेशन है ना वो गाइस यही है। इसमें गाइस देखो क्या होगा, तासुआ का है तो गाइस आपको पता ही है, इधर से उधर गाइस आप लोग मतलब जल्दी जल्दी भाग पाओगे और ये रशिंग करने में बहुत ही ज्यादा काम आता है। ऊपर से गाइस देखो शानी कैटर की एबिलिटी से क्या होगा ना, जब भी आप लोग एक्टिव स्किल यूज करोगे मतलब तासुआ का यूज जब भी आप लोग करोगे ना, आपको गाइस 50 शील्ड पॉइंट मिल जाएगा और ये गाइस 5 सेकंड के लिए रहेगा। और अगर कोई 10 मीटर के रेंज के अंदर अगर आपका कोई टीममेट हुआ तो उसको भी गाइस 50 शील्ड पॉइंट मिल जाएगा। और एंटोनियो का हेल्प से तो गाइस आप लोगों को 40 शील्ड पॉइंट ऐसे ही मिलेगा, मतलब टोटल जो आपका हेल्थ जो 200 था ना वो गाइस बढ़के 290 हो जाएगा। 50 गाइस आप लोगों को शानी से मिलेगा और 50 गाइस आप लोगों को एंटोनियो से मिलेगा। तो गाइस देखो रश करने के टाइम में ये 90 हेल्थ आप लोगों को बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। और जैक कैरेक्टर के हेल्प से कोई बंदे अगर आप लोग नॉक करोगे तो आपका जो गन है वो ऑटोमेटिक रीलोड हो जाएगा। तो अगर आप लोग शॉटगन चलाते हो तब गाइस आप लोगों को जैक कैरेक्टर लेना ही लेना है। अगर आप लोग शॉटगन चलाते हो मतलब रशिंग में अगर आप लोग शॉटगन यूज करते हो M1047 तब गाइस आप लोग जय लेना ही लेना है, बहुत ही ज्यादा काम आएगा। और अगर आप लोग SMG गन चला दो तब गाइस आप लोग को लूना कैटर लेना है, ठीक है ये दो ऑप्शन है। अगर शॉटगन चला रहे हो तो जय, अगर SMG गन चला रहे हो तब गाइस लूना कैटर लेना है। सेकंड नंबर जो स्किल कॉम्बिनेशन है वो गाइस सपोर्टर के लिए आप लोगों को दिमित्री लेना है, थीवा लेना है, सोनिया लेना है, लास्ट में गाइस आप लोगों को केपी लेना है। और ये कैटर कॉम्बिनेशन किन के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोग अपने टीममेट को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, मतलब देखो मैं तो नहीं करता, मुझे पता है आप में से बहुत सारे बंदे नहीं करते होंगे, बट हां गाइस देखो बहुत सारे बंदे ऐसे रहते हैं जो गाइस खुद से भी ज्यादा अपने टीममेट के बारे में सोचते हैं, मतलब कोई बंदा अगर नॉक होता है तो फटाफट जाके रिवाइव दे देते हैं। तो अगर आपके स्क्वाड में से आप थोड़ा सा नूब हो, आपके टीममेट थोड़ा ज्यादा प्रो है ना, आपसे बुरा मत मानना, फैक्ट बता रहा हूं, अगर आपके टीममेट ज्यादा प्रो है मतलब वो अगर जिंदा रहेंगे तभी आप लोग मैच जीत पाओगे, अगर ऐसा सीन है ना तब गाइस आप लोग ये कैटा कॉम्बिनेशन लेना है। तो इससे क्या होगा, जब भी कोई एनिमी आपके टीममेट को नॉक करेगा फटाफट जाके आप लोग इंस्टेंटली दिमित्री चला देना, उससे गाइस ऑटोमेटिक तो रिवाइव हो ही जाएगा, प्लस आपके पास सीवा भी होगा तो 1-2 सेकंड के अंदर जो आपका टीममेट वो रिवाइव भी हो जाएगा, उसको अच्छा खासा हेल्थ भी मिल जाएगा। और कैपिला का हेल्प से गाइस देखो क्या होगा, जब भी आप लोग किसी टीममेट को रिवाइव करोगे ना आपको 80 शील्ड पॉइंट मिल जाएगा। और उसके साथ गाइस देखो सोनिया का भी हेल्प से आप लोग ऑटो रिवाइव हो सकते हो। गाइस देखो सोनिया अभी के टाइम में ज्यादा काम नहीं आता, आपको तो पता ही, मतलब कोई बंदा अगर आपको नॉक कर दिया ना तो गाइस आप लोगों को 50 हेल्थ ही मिलेगा और उसमें गाइस आप लोग इजीली मर सकते हो, बट फिर भी गाइस आप लोगों को सोनिया लेना है क्योंकि वो 50 हेल्थ भी अगर आप लोग बचा के थोड़ा साइड आके गाइस अगर आप लोग धीमी सी चला दिए तो गाइस आप लोग खुद ब खुद सेल्फ रिवाइव भी हो सकते हो। और वैसे गाइस ये कैटर हेल्पिंग के लिए कितना ज्यादा काम आता है आप लोग बैराउंडली में देख ही पा रहे हो, जब भी मेरा कोई टीममेट नॉक हो जा रहा है मैं फटाफट जाके दिमिची चला दे रहा हूँ, वो 1-2 सेकंड के अंदर रिवाइव भी हो जा रहा है और उसको हेल्प भी मिल जा रहा है, फिर वो बंदा उठ के मेरा मतलब बाकी जो एनिमी है उसको मार रहा है। तो गाइस ये कैटा कॉम्बिनेशन आप लोग यूज कर सकते हो सपोर्टर के लिए। थर्ड नंबर जो स्किल कॉम्बिनेशन है उसमें गाइस आप लोगों को लेना है ओरियन, मिगवेल, जोटा और जोसेफ। और ये कैटा कॉम्बिनेशन गाइस स्पेशली जो बंदा क्लच निकालना चाहते हो क्लच के लिए बहुत ही ज्यादा काम आएगा। और जैसे ही गाइस आप लोग बैराउंगली में देख ही पा रहे हो ओरियन का हेल्प से गाइस कैसे मैं इधर क्लच निकालूंगा देखो। और गाइस देखो मतलब ओरियन पहले से खराब कर दिया आपको सभी को पता है, बट फिर भी गाइस देखो क्या होता है ना, बहुत जन ओरियन लवर हो और अगर आप लोगों को ओरियन के लिए कोई कैटा कॉम्बिनेशन चाहिए तो ये वाला कैटा कॉम्बिनेशन ले सकते हो, क्लच निकालने में ये आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। वैसे गाइस अगर आप लोग रश करते हो तो मैंने आप लोगों को बता दिया, बट हां भाई ओरियन लेना चाहते तो ये कैटा कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। एक बंदे को मारोगे, एक बंदे को मारने के बाद फटाफट गाइस आप लोग ओरियन हो जाओगे, फिर से और एक बंदे को मारोगे फटाफट ओरियन हो जाओगे। तो उसके लिए गाइस आप लोगों को मशरूम चाहिए होगा, तो जितना हो सके गाइस मतलब पहले ही आप लोग मशरूम ले लेना, उसके साथ तो गाइस आप लोगों के पास तो मिगवेल होगा ही होगा। और उसके साथ जोटा का हेल्प से कोई बंदे को अगर आप लोग नॉक करके फिनिश करोगे ना तो गाइस आप लोगों को HP भी मिलेगा। और लास्ट में गाइस जोसेफ का यूज से कोई बंदा अगर आपके ऊपर A1-24 या फिर मोको का यूज किया तो आपके ऊपर कोई भी इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। थर्ड नंबर जो स्किल कॉम्बिनेशन है उसमें गाइस आप लोगों को लेना है ओरियन,
मिगवेल, जोटा और जोसेफ। और ये कैटा कॉम्बिनेशन गाइस स्पेशली जो बंदा क्लच निकालना चाहते हो क्लच के लिए बहुत ही ज्यादा काम आएगा। और जैसे कि आप लोग देखो कितना अच्छी तरीके से मैं ओरियन का हेल्प से खेल रहा हूँ, एक बंदे को नॉक कर रहा हूँ फिर से ओरियन हो जा रहा हूँ, या फिर गाइस अगर मेरा हेल्थ कम है तो मैं फटाफट ओरियन हो जा रहा हूँ, इससे क्या होगा सामने वाले बंदे को अच्छा खासा डैमेज आ जाएगा, मतलब 3-3 करके तो डैमेज लेगा ना और मैं बच जाऊंगा। तो इसलिए गाइस आप लोग ओरियन कैरेक्टर ले सकते हो। अभी भी भाई बहुत बंदे लेते हैं, मैं सीएस टैंक खेल रहा हूँ ना देखता हूँ भाई बहुत बंदे ओरियन लेते हैं, तो गाइस आप भी जरूर से ये ओरियन कैरेक्टर का यूज कर सकते हो। फोर्थ नंबर जो स्किल कॉम्बिनेशन है उसमें गाइस आप लोग को A124 लेना है, एल्वाडो लेना है, मोको लेना है और लियोन लेना है। और ये स्किल गाइस नेडर के लिए, अगर आप लोग नेडिंग करते हो क्या करना है, A124 से सामने वाला जो एनिमी है उसका स्किल ब्लॉक कर देना, बस फिर नेट का बरसात कर देना। वैसे तो गाइस एक ही नेट मिलता है, बट हाँ एक नेट अगर आप लोग सही तरीके से फेंक दोगे तो एनिमी ऐसे ही मर जाएगा। और ध्यान से गाइस आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को पेट में से बीस्टॉन लेना है भाई, अगर आप लोग बीस्टॉन नहीं लोगे ना तो कोई मतलब काम का नहीं है, आपका जो नेट है वो दूर तक जाएगा ही नहीं। तो इसलिए गाइस आप लोग को पेट में से जरूर से आप लोगों को बीस्टॉन रखना है। और जैसे ही गाइस देखो मैं खेल रहा हूँ, A124 से पहले सामने वाले एनिमी का जो स्किल है वो ब्लॉक कर दे रहा हूँ, जैसे ही ब्लॉक हो जा रहा है मैं नेट को कुक करके फेंक रहा हूँ। और गाइस अगर आप लोग A124 नहीं लेना चाहते तब A124 की जगह आप लोग क्लू का भी यूज कर सकते हो, उसमें भी गाइस काफी ज्यादा काम आएगा। और स्नाइपर प्लेयर के लिए जो कैटा कॉम्बिनेशन है उसमें गाइस आप लोग क्लू लेने है, मारो लेने है, लौड़ा लेने और मोको कैरेक्टर लेने है। आप लोगों क्या करना है, फटाफट जाके गाइस पहले आप लोग क्लू का यूज कर देना, आप लोगों को पूरा मैप में दिख जाएगा कि एनिमी कहां से आ रहा है, जैसे कि आप लोग बैकग्राउंड क्लिप में देख ही पा रहे हो। फिर जैसे ही आप लोगों को पता चल गया कि हाँ भाई एनिमी इधर से आ रहा है तो अपने टीममेट को बोल देना भाई एनिमी राइट से आ रहा है या फिर लेफ्ट से आ रहा है, फिर उस हिसाब से गाइस आप लोग कोई भी एक एंगल देख के बैठ सकते हो, पीछे रह सकते हो, सामने आ सकते हो। और गाइस देखो मैंने रैफेल इसलिए नहीं बोला क्योंकि भाई रैफेल अभी भाई एकदम काम का नहीं है। गाइस क्या होगा ना, अगर आप लोग किसी एनिमी को नॉक कर दोगे तो वो फिनिश होने में इतना ज्यादा टाइम लगता है ना कि सामने वाले एनिमी जो टीममेट है आके उसको रिवाइव दे देगा, आप लोग कुछ ही नहीं कर पाओगे। उससे अच्छा गाइस कोई बंदे को अगर आप लोग स्नाइपर से नॉक करते हो तो नॉक करने के बाद गाइस आप लोग उसको नॉर्मली मतलब फायर करके फिनिश कर देना, वही गाइस सबसे ज्यादा अच्छा है। और मारो का हेल्प से गाइस देखो लॉन्ग रेंज में आप लोगों को जो AWM का डैमेज है वो ज्यादा आएगा, और ट्राई करना गाइस AWM का अगर आप लोगों को डैमेज प्लस वाला अगर आपके पास स्किन है तो वो गाइस आप लोग जरूर से ले सकते हो। और ऐसा नहीं कि क्लू है आपके पास तो मोको का यूज नहीं होगा, गाइस देखो जिस भी बंदे को अगर आप लोग AWM से डैमेज दोगे उसके ऊपर एरो तो आ जाएगा ना, फिर आप लोग को पता चल जाएगा कि एनिमी इधर से आ रहा है, तो फिर गाइस आप लोग एम करके इजीली मार सकते हो उस वाले एनिमी को जिसको आप लोग डैमेज दिए थे। तो इसलिए मोको काफी ज्यादा यूज होता है, आप लोगों को जरूर से मोको लेना है। और लौड़ा का हेल्प से गाइस आप जब भी आप लोग स्कोप करोगे आपका जो एक्यूरेसी है AWM का वो गाइस बढ़ जाएगा, तो इसलिए मैंने लौड़ा कैरेक्टर बोला। और बाय द वे गाइस आप लोग फटाफट मेरे को एक चीज कमेंट कर देना, आपका रोल कौन सा है सीएस रैंक में, आप लोग रशर हो, नीडर हो, सपोर्टर हो या फिर AWM प्लेयर हो, जो भी रोल आपका है फटाफट मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। मैं तो पर्सनली रश करता हूं, तो आपका क्या रोल है मेरे को फटाफट कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। ये वीडियो गाइस आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता देना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब करके पास में जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी गाइस जरूर से आप लोग ऑन कर देना। मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो गाइस जाओ यार क्या कर रहे हो, फटाफट जाके मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके गाइस फटाफट मेरे को 5000 फॉलोअर जल्दी से जल्दी करा दो मेरा। और गाइस देखो अगर आप लोगों को फुल मैप के लिए सोलो टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो गाइस आप लोग फटाफट राइट वाली वीडियो देखो, या फिर गाइस अगर आप लोगों को हर एक सीएस रैंक मैच रैंडम ड्रेड के साथ खेल के जीतना है तो गाइस आप लोग फटाफट लेट वाली वीडियो देख सकते हो। सो गाइस चलो टाटा बाय बाय पीस।